नमस्कार, स्वागत है आपका एएफसी टुडे न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवांगी सिंह। जैसा कि आप सबको पता है कि कोरोना का कहर देश भर में देखने को मिल रहा है, तो आइए जानते हैं कि भारत के राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में क्या है कोरोना संक्रमितों की संख्या। जम्मू कश्मीर में 1289 आए मामले, 15 की हुई मौत। हिमाचल प्रदेश में 90 हैं संक्रमित, 3 की मौत। पंजाब में 1980 हैं संक्रमित, 37 की हुई मौत। हरियाणा में 928 हैं कोरोना संक्रमित, 14 की मौत। उत्तराखंड में 93 हैं कोरोना संक्रमित, 1 की हुई मौत। राजस्थान में 5507 हैं कोरोना संक्रमित, 138 की हुई मौत। गुजरात में 11745 हैं संक्रमित, 694 की हुई मौत। मध्य प्रदेश में 5236 हैं मामले, 252 की हुई मौत। उत्तर प्रदेश में 4605 हुए मामले, 118 की हुई मौत। बिहार में 1391 हैं मामले, 9 की मौत। सिक्किम में नहीं आए कोई मामले। अरुणाचल प्रदेश में 1 है कोरोना संक्रमित। नागालैंड में नहीं है कोई भी कोरोना संक्रमित। मणिपुर में 7 है संक्रमित। मिजोरम में 1 है कोरोना संक्रमित। त्रिपुरा में 167 है कोरोना संक्रमित। असम में 107 हुए मामले, 2 की मौत। मेघालय में 13 है संक्रमित, 1 की हुई मौत। वेस्ट बंगाल में 2825 है कोरोना संक्रमित, 284 की हुई मौत। झारखंड में 223 आए मामले, 3 की मौत। उड़ीसा में 876 है संक्रमित, 4 की मौत। छत्तीसगढ़ में 93 है संक्रमित। महाराष्ट्र में आए सबसे ज्यादा मामले, 35058 लोग हुए संक्रमित, 1249 की हुई मौत। गोवा में 38 है संक्रमित। कर्नाटका में 1246 हैं कोरोना संक्रमित, 37 की हुई मौत। तेलंगाना में 1597 हैं कोरोना संक्रमित, 35 की हुई मौत। आंध्र प्रदेश में 2474 हैं संक्रमित, 50 की हुई मौत। केरला में 630 हैं संक्रमित, 4 की हुई मौत। तमिलनाडु में 11760 हैं संक्रमित, 81 की हुई मौत। चंडीगढ़ में 196 हैं मामले, 3 की मौत। दिल्ली में 10054 हुए मामले, 168 की हुई मौत। दादर एंड नगर हवेली में 1 है कोरोना संक्रमित। लक्षद्वीप में नहीं है कोई भी कोरोना संक्रमित। अंडमान एंड निकोबार में 33 आए मामले। अभी की खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें एएफसी टुडे न्यूज के साथ।